एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे तो जान लें ये पांच बातें। फिटनेस को लेकर हर कोई संजीदा हो गया है, पर हकीकत ये है कि कुछ लोग मनमर्जी भी करने लगे हैं, जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में कुछ सावधानी जरूरी है। स्पोर्ट्स ड्रिंक पूर्ण समाधान नहीं। पहली बार स्पोर्ट्स ड्रिंक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में 1965 में बनी। मकसद फुटबॉल खिलाड़ियों को डिहाइड्रेशन से बचाना था। स्पोर्ट्स ड्रिंक भी नमक और चीनी का मिश्रण होता है। इसकी जरूरत उन्हीं को होती है जो लगातार एक घंटे से अधिक समय तक एक्सरसाइज करते हैं। इसका फायदा यह है कि शरीर में शुगर का स्तर संतुलित रहता है। दक्षिण अफ्रीकी रिसर्चर टिमोथी नोक्स ने अपनी किताब वॉटरलॉज्ड में लिखा है कि शरीर में पानी की मात्रा अधिक होने से भी समस्या होती है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में कैलोरी होती है, इसलिए पीने का सही तरीका हर किसी को पता होना चाहिए। फैट शरीर के हर हिस्से से बराबर में बंद होता है। फैट त्वचा और शरीर के अंगों के आसपास रहता है। फैट शरीर के हर हिस्से से बर्न होता है, भले ही आप कम खाएं या एक्सरसाइज कम करें। ध्यान रहे, सिक्स पैक एब एब्डोमिनल एरिया के फैट को टारगेट करके जाने वाली एक्सरसाइज से नहीं बनता है। मन सिनलें प्रोटीन पाउडर। ये सही है कि मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके लिए वर्कआउट, ट्रेनिंग, डाइट पर ध्यान देना होता है। एथलीट की ताकत और उसकी ट्रेनिंग के अनुसार हफ्ते में 6 दिन प्रोटीन दिया जा सकता है, पर सबसे बढ़िया डाइट होती है। एक्सरसाइज संभल कर। अच्छी सेहत के लिए हैवी एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। हल्के व्यायाम से भी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और रक्त प्रवाह सही रहता है। द 1 मिनट वर्कआउट रिपोर्ट के अनुसार शरीर की बनावट के अनुसार ही एक्सरसाइज करें। लगातार वर्कआउट से वजन कम हो जाए ये जरूरी नहीं। मोटे लोगों में धारणा है कि वह लगातार एक्सरसाइज करेंगे तो उनका वजन जल्दी कम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर का वजन बॉडी फैट और हड्डियों पर निर्भर करता है। वजन कम करने का सबसे आसान तरीका डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव है। वॉशिंगटन पोस्ट विशेष से अनुबंध के तहत।